तो एक मुझे आप सॉन्ग सुनाइए संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत जो है वो हमारे समझ रहे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे देवी मैया का सुनाते हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित्वमेविनि विश्व विनोदिनी नंदनुते केरवर वृंद शिरोधनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूरकृतये जय जय हे महिषासुरभय भारत करता ए धनी तू हूँ करा मर जान मन योस्र भौजी कोसी सभी देखे के बिहार में बहार आयल बा हमरा सोनू भैया ले तखुमार छायल बा ई बिहार के त किस्मत कैसे जगमगायल बा हमरा सोनू भैया ले तखुमार छायल अंटवा। तो आपको दिखता नहीं है फिर भी इतनी सारी नॉलेज, इतने 14 लैंग्वेज में आपको सॉन्ग, ये कैसे आप अचीव कर लें? जैसे कुछ गाने हैं, जैसे यही पुष्पा मूवी के गाने थे, तो इसको तो मैंने हिंदी में देखा और फिर इसका पता चला कि इसका तेलुगु में भी है, तो वो मैं इसको बिहार का लाल बोला जाता है और कहीं ना कहीं बिहार वाले काफी सोनू सूद को मानते हैं और सोनू सूद भी बिहार वासियों के लिए अपने जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, बताते हैं कि मुझे काफी लगाव है बिहार से। तो उन सोनू सूद के लिए एक जो आप आरती सॉन्ग आई हैं तो उसको थोड़ा सुनाएं आप, कहीं सोनू सूद इस चीज को ले करके वो आपके प्रति लड़े। हाँ जी। सभे देखे के बिहार में बहार आयल बा हमरा सोनू भैया ले तखुमार छायल बा ई बिहार के त किस्मत कैसे जगमगायल बा हमरा सोनू भैया ले तखुमार छायल बा। थैंक यू। और कहीं ना कहीं छठ का जो अभी पर्व आने वाला है, ठीक है ना, कमशुन में, तो एक छठ वाला छठ पर्व का एक सॉन्ग जो आप गाती हैं थोड़ा उनको सुनाए। हाँ, तो पिछले साल ही सोनू निगम जी और पवन सिंह जी का एक गाना आया था कोलैब में, तो वो थोड़ा सा सुनाते थे। सब भारत करता ए धनी तू हूँ करा मर जान मन योस्र भौजी कोसी भरा रुका देवरो दौरा सरियाली चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली की चला धनी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो आपको याद है पूरा हो गाइए, सुनिए, पहले जो याद है उसको पूरा हो गाइए, दिख रहा ना फ्रेश? नहीं, ये वाला। तो जयाश्री, आपको छठ वाला सॉन्ग जो है वो याद है? हाँ, जो अभी मेरा गाना आने वाला है वो दो लाइन, ज्यादा नहीं, बस दो लाइन सुनाते हैं। देखिए, इनका एक सॉन्ग जो है ये खुद की राइट की हुई है, लिखी हुई है, और इनका सॉन्ग जो है रिलीज होने वाला है और इनके खुद के ऑफिशियल चैनल पे जाएगा। तो मैं इनका गाना को मैं सोचूंगा कि बस दो लाइन ही आप गाएं। धनबाई छठ के बरतिया के हमरो त भाग जागल हो छठी मैयानी हम कृपाई हमनी पर हमनी के खुश रखिया हो। चलिए, ये सॉन्ग जो है इनके ऑफिशियल चैनल पे जाने वाला है और ये सॉन्ग छठ के लिए रिलीज होने वाला है, मतलब कमिंग सून में है, और इनका सॉन्ग को आप लोग जरूर देखिएगा और इनका जो चैनल है उसी पे जाएगा ना? हाँ, मेरे चैनल पे जाएगा। कौन सा चैनल? ओरिजिनल सॉन्ग्स बाय बिहारी बाला। ठीक है, अब जो सॉन्ग आपको पूरा याद है छठ का वो गाइए आप। सोनू निगम जी वाला पूरा गा देते हैं। सभे भारत करता ए धनी तू हूँ करा मर जान मनायो स्वभाव जी को सी भरा रुका देवरो दौरा सरियाली कि चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली कि चला धनी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली। पेन्हिला पियरिया बान्हिला बगरिया दौरा सजल बाकार चले के तैयारिया उखिया तूने लहाथ तू चाल साथे साथ तिवाई के भीड़ नात बढ़ी जाई छठी घाटे ठीके रउआ कहतानी है धरी न लोटा के पानी दियारी न भूती घिउआ डाली कि चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली कि चला धरी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली। लैला यरग हाथ लावा धयनवा बाकेदार सन पर सान होई मानवा छठी के बरतिया भाई सफलवा हर साल परब करब हे सूरज मल हो धन हम भईनी जी पूजा रौर कईनी जी हथवे में लेके अर्दी के थाली कि चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली कि चला धनी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली। थैंक यू। देखिए मतलब इनके माथा से इनकी आंख में आंसू तक आ चुका था, काफी अच्छी गाई हुई है। तो इनके ऑफिशियल चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और इनका जो है सॉन्ग छठ वाला वो जाने वाला है, तो आप लोग खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं एक ऐसे बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिहार की बेटी जिसका एक दो लैंग्वेज में सॉन्ग नहीं, इसका एटलीस्ट आपको 14 लैंग्वेज में सॉन्ग आता है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक सिंगर बनता है तो उसका मुद्दा एक होता है, या तो भोजपुरी में रहेगा तो भोजपुरी सॉन्ग आएगा, लेकिन या तो हिंदी रहेगा तो हिंदी गाएगा। तो सबसे पहले मैं उन लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका नाम क्या है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयश्री है। देखिए ये मेरे सामने जो बैठी हुई है जयश्री बैठी हुई है, और जयश्री का लगभग 14 लैंग्वेज में ही सॉन्ग आता है गाना, और एटलीस्ट 3 लैंग्वेज की और तैयारी कर रही है। देखा जा सकता है कि अगला इनका सॉन्ग किस लैंग्वेज में होगा। सबसे पहले दिखा सकते हैं कि ये लड़की का लगभग आपको 2018 में एक ऐसे डिजीज हुआ जिसके कारण इनके आंख से धुंधलापन दिखने लगा, और काफी हमको लग रहा है कि इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस मुश्किलों का दाद देते हुए, उस मुश्किलों से दबते हुए नहीं, उठते हुए आज ऐसे स्तर पर पहुंची है कि इनका काफी सारे सोशल मीडिया पे इनका सॉन्ग वायरल हो रहा है। सबसे पहले इनसे कुछ गाने सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये बीमारी इनको लगा, क्या ये बचपना वाली बीमारी है या फिर आगे चल करके ये बीमारी है। सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको ये जो बीमारी हुआ क्या ये बचपन से ही है, जन्मजात है, या फिर आगे चल करके ये बीमारी हुआ? नहीं, बाय बर्थ ये बीमारी नहीं हुआ था, 4 साल पहले ही हुआ था मेनिंजाइटिस। कौन सी डिजीज हुआ आपको? मेनिंजाइटिस नाम, इसको हिंदी में दिमागी बुखार कहते हैं। इसमें दिमाग में पानी भर जाता है और उसमें सीवियर हेड पेन होता है, तो उसके प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व दब गया और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो ड्राई हो गया है। इस चीज के लिए आपके मम्मी पापा आपको चाहत किए या फिर कहाँ कहाँ दिखाया? इस चीज के लिए लगभग मैं बहुत जगह घूमी, जैसे चेन्नई गए थे हम लोग 2 साल पहले, शंकर नेत्रालय, अरविंद आई हॉस्पिटल, अपोलो आई हॉस्पिटल, यहाँ पे गए थे, और दिल्ली में भी एम्स वगैरह सब जगह गए थे, पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज ही नहीं है। उस समय जिस परिस्थिति में आप झूल रही थी, क्या आपके मम्मी पापा या आपके पड़ोसी साथ दिए या आपके फिर रिश्तेदार? मतलब जैसा मेरा हालत था उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट की मेरे मम्मी और पापा, और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया, पर मम्मी और पापा नहीं खड़े रहते तो शायद मेरा होश भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इतनी सारी अवस्था होने के बावजूद भी आपकी पढ़ाई लिखाई शायद ग्रेजुएशन चल रही है आपको म्यूजिक से? हाँ, मेरा इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर मतलब ग्रेजुएशन चल रहा है, एक ईयर हो चुका है। वोकल कोर्स कर रही है? हाँ, वोकल्स। तो एक बात बताइए कि कौन कौन से सॉन्ग, या बहुत सुनने में आता है कि आप काफी लैंग्वेज में सॉन्ग गाती है, तो क्या श्रीवल्ली जो मूवी है क्या उसमें एक सॉन्ग गा सकती है? हाँ, श्रीवल्ली तेलुगु में और फिर हिंदी में। बिल्कुल, आप पहले तेलुगु में गाइए। इन चुस्तुंडे कम्मुल रेंडु दपस्तावे नी चूपुल पैन रप्पल वेसी कप्पस्तावे कनिपिंचनि देबुन्ने कन्नाटगा चूस्तावे कम्मुल एदुटु वेलुटे कादरुकोंडावे चूपे बंगारम मायने श्रीवल्ली नवे नवरत्न मायने। थैंक यू। अब इसको हिंदी में आप कैसे गा सकते? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तो पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विता है उसको टाले तू, तेरी झलक शर्फे श्रीवल्ली नैना मदक बर्फे। थैंक यू। देखिए, ये लड़की का सॉन्ग कहीं ऐसा ना हो कि अगर स्टेज पे एक स्टेज शो मिल जाए अगर इनको करने के लिए, तो वैसे वैसे लोगों का छक्का छुड़ा सकती हैं। मतलब ऐसे लड़कियों को, बिहार की ये बेटी है और बिहार की बेटी को लेकर के बहुत सारे पत्रकार तो आए, लेकिन अभी मनीष भैया नहीं आ पाए। तो मनीष कश्यप जी से मैं आग्रह करता हूं कि ये वही लड़की है जिसके सहारा बनना आपको बहुत जरूरी है, और ऐसे लड़कियों को साथ नहीं देंगे तो फिर किस लड़की को साथ देंगे? आज ये लड़की के अंदर ऐसी सारी एलिजिबिलिटी है और ऐसी मैच्योरिटी है इस गानों को लेकर के कि शायद अगर इसको एक शो मिल जाए, अगर एक स्टेज मिल जाए, तो ये लड़की वहां पे रुक नहीं सकती है, ये अपना कदम आगे बढ़ा देगी। तो सबसे पहले आप जैसे कि पुष्पा मूवी के सॉन्ग भी आता आपको? हाँ, बट तेलुगु में आता है। जैसे तेलुगु में हाँ, अंटावा कोका 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 करते गुरगुरमंतू చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చేస్తారు ఒగ్గా గాదో కౌను గాదో కట్టులోన ఏముందే నీ పల్లల్లోనే అంటా ఉండి నీ మగ బుద్ధి వంగర బుద్ధి ఊ అంటావా ఉమ్మవా ఊ ఊ అంటావా ఉమ్మవా తెల్ల తెల్ల గుండే వగడు తెల్ల గిందులొతాడు నల్ల నల్ల గుండే వగడు అల్లరి అల్లరి చేస్తారు తెలుగు నలుగు కాదర్నై తొరంగతే పొడియ ముందే సందు దుర్గమ దంటే చాలు నియమగ బుద్ధి వంగర బుద్ధి ఊ అంటావా ఉమ్మవా ఊ అంటావా ఉమ్మవా। थैंक यू। तो आपको दिखता नहीं है फिर भी इतनी सारी नॉलेज, इतने 14 लैंग्वेज में आपको सॉन्ग, ये कैसे आप अचीव कर लें? जैसे कुछ गाने हैं, जैसे यही पुष्पा मूवी के गाने थे, तो इसको तो मैंने हिंदी में देखा और फिर इसका पता चला कि इसका तेलुगु में भी है, तो वो मैंने सुन लिया। और भी 2-3 है, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में एक वो गाना है ना, तू तू है वही दिल जिसे अपना का, उसका भी मेरे को मॉल्डीवियन आता है, हिंदी भी आता है। तो ये सब तो था सुना हुआ, तो पता चल गया, लेकिन बाकी सब सुन सुन के सिर्फ आया कि इस ये नया गाना ट्रेंडिंग में, मैंने सारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ट्रेंडिंग में जो भी गाना आते गए मैं सुनते गए और याद करते गए। सारी मीडिया चैनल्स आए और आपके सॉन्ग को भी लेकर गए और आपकी परिस्थितियां को भी दिखाए। क्या कहीं से कोई स्टेज के लिए या फिर कोई सेलिब्रिटी द्वारा आपको कॉल नहीं है? नहीं, ना अभी स्टेज शो का कोई मौका मिला है, ना किसी सेलिब्रिटी ने कॉल किया है, पर एक इवेंट में द फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 3 कुछ दिनों पहले हुआ था, तो उसमें सोनू भैया आए थे हमारे बिहार में, सोनू सूद भैया। तो वो जब एयरपोर्ट से लेमन ट्री होटल आ रहे थे तब मैंने उनका आरती गा के बिहार में स्वागत किया था। इसमें मनीष कश्यप जी भी उपस्थित थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे मनीष भैया भी। आपको इस चीज का उनको पता नहीं चला कि एक ऐसी लड़की मेरे साथ खड़ी है जिनको 14 लैंग्वेज में गाने आते हैं? नहीं, एक्चुअली जब मैं आरती कर रही थी तब ये तो पता चल गया कि मैं देख नहीं सकती, पर इतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सोनू भैया काफी बिजी, बहुत क्राउड था उस समय, तो ना मैं उनको ही बता पाई ना मनीष कश्यप जी को बता पाई कि नहीं मुझे 14 लैंग्वेजेस में गाना आता है, तो इसीलिए मिलना ही नहीं हो पाया अच्छे से। देखिए, ये जो लड़की आपके सामने बैठी है जयाश्री, तो इनको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार वासियों को मैं अपील करता हूं कि इनके जो है यूट्यूब चैनल भी है। मेरे YouTube चैनल का नाम है ओरिजिनल सॉन्ग्स बाय बिहारी बाला। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेज शो के लिए कहीं बिहारियों को दबा दिया जाता है, अगर इस प्रकार से मौका नहीं मिल रहा है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हालांकि इनके चैनल को सपोर्ट करते हुए इनके वीडियो को सारा शेयर करिए, क्योंकि शायद ये अपने खुद के स्टेज से उस मुकाम को हासिल कर ले। सबसे पहले कुछ और अरबिक भी सॉन्ग गाती हैं आप, तो वो सॉन्ग सुनाइए अरबिक में। अगर इंसानी बलहुदूरी है, ऐसा अच्छा खैब जरूरी है, हने तो बादल खुजूरी है, रता तो दस्ते तरूरी है, तो मासूहब से फुदूरी है, वो मासूहब से जरूरी है, अश्नो देख शहरिया, अश्को फैक्टर फिया, तेरे चलिए बोला बाहे दिल बर, उर्फिनी انتي خواج بيبي شوفيها اقول لها انتي خواك وانتينيا। थैंक यू। ओके, देखिए इनको मौका मिलना चाहिए। और मैं बता दूं कि मनीष भैया आप सिर्फ जाकर दीपक रिक्शा वाला को उठाते हैं, कभी जाते हैं तो छोटा खान सर को उठाते हैं, इनके लिए भी एक मौका मिलना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि शायद आपके चैनल को काफी बहुत सारे मिलियंस में आपका सब्सक्राइबर है, 5 मिलियंस कोई छोटी मोटी चैनल नहीं हुआ, लेकिन शायद आपको एक चैनल पे भी इनका भी मौका मिलना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि बिहार की बेटी और बिहार के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, तो आज वही बिहार के और बिहार के राजधानी पटना से वही लड़की साथ में खड़ी है जयाश्री, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू आपके चैनल पे और इनके सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। आइए मैं बात करता हूँ इनकी मम्मी से कि मम्मी जी के क्या यहाँ पे इस बालिका को लेकर के कुछ कहना चाहेंगी। सबसे पहले आपको वेलकम है चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आपकी बेटी इतनी सारी मेहनत करती है और लिसन करके सिर्फ सुन करके अगर इस चीज को अपने अंदर ले लेती है और इतनी अच्छी सॉन्ग गाती है, तो क्या लगता है कि आपकी लड़की बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी? हाँ बिल्कुल, मेरी बच्ची है और अच्छा गाती है, तो मुझे लगता है आज ना कल अच्छा, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, देरी होगी लेकिन प्रतिभा को जो है ना पहचान की जरूरत नहीं होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है अब मेहनत करती है ये आगे जाके अच्छा करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या लग रहा था कि जिस समय जो बीमारी हुआ था या अभी जो बीमारी हुआ है, इसको टालने की कोई उपाय है? देखिए इसको बीमारी तो ऐसा हो गया कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरा भारत घूम चुकी इसको लेके। तो बीमारी से बताया इसकी बीमारी जो दिमागी बुखार, अगर हमारे बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए दिमागी बुखार, इसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, जिसका नाम हमने शायद सुना भी नहीं था और मेरे बच्चे को हो गया और हमें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक ये बीमारी जा सकती है, जहाँ पे इसकी दोनों आंखों की रोशनी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अब हो गया तो उसके लिए हम प्रयासरत है, हम इलाज करा रहे हैं इसका और आप लोग का आशीर्वाद रहा, भगवान ने चाहा तो आगे देख सकेगी मेरी बेटी, लेकिन फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो अब इलाज से हार मान, इस बीमारी से हार मान के और घर में बच्चे को बैठा दूं, ये कभी ना मैंने किया है ना मैं अपने बच्चों को मैं सिखाती हूँ कि तुम इस तरह से करो, तो मैंने बोला जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हारा जज्बा है, बस उसी जज्बे को लेके तुम आगे बढ़ो और तुम कुछ करो। आप सुनने में आता है कि आप किसी सर्विस में भी थी पहले? हाँ, मैं RDM ऑफिस में थी, वहीं पे काम करती थी, बट जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको न्यूबॉर्न बेबी, जैसे जो बच्चा जन्म पैदा होता है तो उसको जैसे रखते हैं आपको उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो मेरे पास बहुत लोग नहीं थे इसके केयर करने के लिए, तो मुझे लास्टली जॉब को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि तब इसकी कंडीशन ये थी कि इसका ना BP रहता था ना पल्स रहता था, सबने हिम्मत हार चुका था कि ये रहेगी हमारे बीच, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी दया और कुछ इसकी किस्मत कि आज ये अच्छे से हैं हमारे बीच। हाँ वो अलग बात है कि इसके आँख की रोशनी नहीं रही, पर तब तो हम वो भी उम्मीद खो चुके थे इसको रहने का भी, लेकिन हाँ अभी ठीक है। जिया का नेत्र से तो नेत्रहीन हो ही गई है, लेकिन इनका जज्बा को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे लड़की ये धरती पर बहुत कमी मिलती है जो अपने नेत्र से नेत्रहीन होने के बावजूद भी इतनी सारी लैंग्वेज में सॉन्ग गाना। उनकी माँ को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इस मुसीबत को झेलते हुए भी अपने सर्विस को छोड़ दी और इस मुसीबत को मुसीबत नहीं समझी, इस मुसीबत को एक अच्छा मोड़ लेकर जाना चाहती है और ये अपने बच्ची को दिखाना चाहती है कि मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ। और आपका अपील क्या रहेगा जनता से? बस यही अपील रहेगा कि आप इसकी आंखों पे ना जाएं कि इसको नहीं दिखता है, इसके अंदर जो प्रतिभा है आप उसको देखें, आप इसको मंच दें, इसको मौका दें। अगर अच्छा लगे तो फिर तो ये कामयाबी छुएगी, और नहीं अच्छी लगेगी तो आपकी बेटी है, आप उसके कमी को निकाल के उसको सुधारिए और उसको आगे बढ़ाइए। बस ये कोई मंच नहीं मिल रहा है, मंच को कोई दे नहीं रहा है, इतने सारे मीडिया चैनल्स है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को काफी शेयर करना चाहिए जिसकी वजह से ये खुद का प्लेटफॉर्म पे आ सके? देखिए मैं सच बताऊं, अगर सही बोलूं तो मुझे अब ये सब बाइट वगैरह पसंद नहीं है देना, ना बच्चे को मैं हर्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि एक लाइन में मेरे बच्चे ने एक दिन बोला कि मम्मा क्या हो जाएगा, लोग आते हैं इंटरव्यू लेते हैं चले जाते हैं। आज तक मुझे 1 साल से ये इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है, लेकिन 1 साल से, हाँ जी, अभी मुझे लगता है होली से पहले से ही इसका इंटरव्यू हो रहा, नेशनल स्टेट लेवल हर जगह इसका इंटरव्यू चला है, पर आज तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया कि आपके बच्चे को हम गाना गवाना चाहते हैं। 14 लैंग्वेजेस में गाना गाना इतना आसान नहीं होता है, तो अब मन नहीं करता है। तो मैं यही अपील करूंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, आपको उसको सुनने का, उसको एक मौका तो दीजिए। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि आप इसको शेयर कीजिए और खासकर मनीष कश्यप जी के पास एक बार पहुंचाइए कि वो आए और मेरी बेटी का एक बार इंटरव्यू करें, क्योंकि उनके पास एक ऐसी शक्ति है, जैसे मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो हो सकता है वो शक्ति थोड़ी सी घूम के मेरी बेटी के ऊपर आ जाए और कुछ दैविक कृपा हो जाए। हालांकि पटना में उनका ऑफिस भी है, लेकिन इतने सारे वीडियोस भी जाता है, तो कम से कम उनको आना चाहिए। आपको कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक सिंपल छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं, कि अगर कोई विदेशी होता है, मतलब इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया, बाहर होता है, अगर वो एक छोटा सा हनुमान चालीसा गा देता है या रामायण के कुछ 2 पंक्तियां पढ़ देता है, तो वो वीडियो हमारे भारत में वायरल हो जाती है। और जब बिहार की बेटी 14 लैंग्वेज, इंटरनेशनल और नेशनल, बिहार को बदलने भी चले हैं मनीष कश्यप जी, तो सारे भाषाओं में ये गाना गाती है और उसके बाद इसका एक भी वीडियो वायरल नहीं होता है और एक मंच भी नहीं मिलता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं दुखता है, हर्ट होता है। और हमारे बिहार के अच्छे अच्छे पत्रकार जब नहीं ले रहे हैं, इसको तवज्जो नहीं दे रहे, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी जब नजर नहीं पड़ी, मैं बहुत बार गई हूँ मिलने के लिए, लेकिन कभी मेरी मुलाकात किसी से नहीं हो पाई है। इवन कि यहाँ पे जो फिल्म है, कला संस्कृति मंत्रालय है, उनको भी देखना चाहिए कि हमारे बिहार में क्या क्या टैलेंट है, क्या है, उनको खोज खबर लेनी चाहिए, मतलब कलाकारों की, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। तो मैं अपील करना चाहूंगी सबसे कि एक बार आप देखिए तो सही, एक बार बुलाइए तो सही, बच्चे को मौका तो दीजिए, है ना, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, कोई टिकटॉक बना करके स्टार होता है, कोई कुछ करके स्टार होता है, और आज एक अच्छी लड़की जो अपने जज्बा को दिखाना चाहती है, एक सोशल मीडिया पर दिखाना चाहती है, तो इसका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी देख रहे हैं दर्शक, मैं सबसे वो अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और उनके जो भी न्यूज चैनल्स हैं जिनको अभी बताया गया है, उस न्यूज चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उनके जितने भी वीडियो है वो इतना चलाइए को खुद के मिलियन में बन जाए और इनका खुद का एक स्टेटस शो मिल जाए। आइए एक बार फिर से बात करते हैं उनसे कि 14 लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज में आप सॉन्ग गा सकती हैं? मैं इंडियन लैंग्वेज में जहाँ तक बात करें, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली और पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हरियाणवी, ये सारे लैंग्वेजेस, और संस्कृत वगैरह सब। और इंटरनेशनल बात करें तो फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, इंग्लिश, एंड अभी जो जिसपे प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और मालदीवियन। देखिए इतने सारे लैंग्वेज में सॉन्ग आती है, अगर एक अच्छा मौका मिले तो बहुत अच्छा कर सकती है। और बिहार वासियों को मुंह चुराना क्यों पड़ रहा है यहाँ पे? क्यों उनका चैनल पे वीडियो नहीं जाएगा? अरे भाई चला कर तो देखो। लोग निकालते हुए ये अपने आत्मविश्वास पे आज इतने लैंग्वेज में सॉन्ग सीख चुकी है। तो एक मुझे आप सॉन्ग सुनाइए संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत जो है वो हमारे समझ रहे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे देवी मैया का सुनाते हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित्वमेविनि विश्व विनोदिनि नंदनुते केरवर वृंद शिरोधनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृतये जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुतये। थैंक यू। देखिए ये किनका सॉन्ग है पता आपको? नहीं, एक्चुअली तो इन्होंने इस गाने को बहुत लोगों ने, ये एक्चुअली गाना है नहीं, ये श्लोक किसमें बोले गए हैं सारे। हाँ, लेकिन इस गाने को अभी तक किसी ने, मतलब कि बहुत लोगों ने निकाला है, ये मुझे नहीं पता कि मेन किसने गाया, क्योंकि सबने बहुत लोगों ने निकाला। सुचेता ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा और काफी मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लैंग्वेज में सॉन्ग आ रही है। और ये हमारे देश की जो संस्कृति है और जो प्रथम स्थान है, हिंदी में भी इन्होंने गाया, प्रथम जो भाषा है, मातृभाषा है, और इन्होंने जो संस्कृत में भी सेकेंड लैंग्वेज है उसको भी गाया। तो कहीं ना कहीं ये देश का एक बहुत बड़ा प्रेम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो देख रहे थे आप लोग G20 न्यूज और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर, इतना से ज्यादा शेयर करिए कि इनका सॉन्ग गाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और एक स्टेज मिल जाए। बन रही आप लोग हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म और G20 न्यूज के साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।